स्वागत है आप सभी का नव भारती परिवार में। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम कार्बन एनेट्स कंपाउंड के कुछ और टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलोगस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे सारे हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स, उनको किस तरह से नाम दिया गया है। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नेम कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि किस एलिमेंट का क्या नेम होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नेम होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये एक एसोसिएशन है जिसमें सारे ऑफिशियल नेम और सिस्टमैटिक नेम रखे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के या फिर किसी भी केमिकल या एलिमेंट के। किसी भी एलिमेंट का नाम रखा गया है तो वो आईयूपीएसी के थ्रू ही रखा गया है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम भी कहते हैं हम उसे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, इनका ही नाम रखा जाता है। तो आईयूपीएसी 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी। और आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो आईयूपीएसी इनके सारे नाम रखती है। तो अब हम देखेंगे किस सिस्टम के थ्रू इनके नाम रखा जाता है, जो कि कार्बन एटम्स पर डिपेंडेंट होकर इनका नाम रखा जाता है। तो किस तरह से हम इसको नेम करते हैं अभी देखते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेम्स। किसी एक चेन या किसी एक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहला देखो, अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक कार्बन एटम है, ओनली वन कार्बन एटम, तो उसे कहेंगे मेथ। मेथ मीन्स वन कार्बन एटम। ऐसे ही टू कार्बन एटम्स के लिए एथ, थ्री कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप, फोर कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट। इसे बट नहीं बोलते हैं, इसे ब्यूट बोलते हैं, बीयूटी, ब्यूट, और लिखते हैं बीयूटी है, ठीक है। फाइव कार्बन एटम्स के लिए पेंट, सिक्स कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, सेवन कार्बन एटम्स के लिए सेप्ट, अगर एट कार्बन एटम हो तो ऑक्ट, नाइन कार्बन एटम्स के लिए नॉन, ठीक है, एट के लिए ऑक्ट और नाइन के लिए नॉन। तो यानी कि ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो जितने कार्बन एटम होंगे हम उसके अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का नाम रखेंगे। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सिर्फ एथ मेथ, इनके अलावा भी आगे कैसे हम इसके आगे यूज करते हैं, ठीक है। और अगर देखना 10 कार्बन एटम्स के लिए डेक यूज करते हैं, डीईसी, डेक, डेस नहीं बोलेंगे इसे या फिर डीस नहीं बोलेंगे, डेक बोलते हैं इसको। अगर किसी एक चेन में 10 कार्बन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाली आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ, सी, इधर भी सी, इधर एच है इसके साथ जुड़ा हुआ, इधर भी एच है ऊपर की साइड, इन सब में ऊपर एच है, इधर भी एच, इधर भी एच, इधर भी एच, इधर एच, इधर एच, और इधर की साइड में भी एच। एच मतलब हाइड्रोजन है। तो इस हमारे इसमें कितने कार्बन है, वन टू थ्री। तो थ्री के लिए क्या होता है, प्रॉप। इसको आप याद कर लो, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो थ्री के लिए क्या आएगा, प्रॉप। अब प्रॉप आएगा, उसके आगे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ पी आर ओ पी लिख के तो छोड़ नहीं सकते इसको हम। तो इसके आगे क्या लिखेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अब देखो किस तरह से हम इनके आगे नाम रखते हैं, ठीक है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अगर कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर मैंने सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाया है सी में, कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन वगैरह सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो क्या हुआ, ये एल्केन हुआ, एल्केन हुआ, है ना। जैसे एल्केन के लास्ट में क्या आता है, एन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लास्ट में भी क्या आएगा, एन। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो फॉर एग्जांपल अगर तीन कार्बन है तो क्या आएगा, प्रॉप, प्रॉप आएगा तीन कार्बन में। और अगर सिंगल बॉन्ड है सब में, प्रॉप आएगा, और सारे कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, लास्ट में एन। यानी कि पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे जाएंगे, उसके बाद क्या लिखा जाएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, यानी कि उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या है,
प्रोपेन हो जाएगा अगर किसी में थ्री कार्बन है, तो थ्री कार्बन एटम्स है तो अगर, ठीक है समझ में आई चीज। अब आते हैं अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले पे। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड सी, एक इधर एच और एक इधर इस साइड में, इस तरह से हमें एक कार्बन चेन दी हुई है जिसमें दो कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आप दो कार्बन है तो क्या होता है, देखो टू कार्बन में क्या होता है एथ, ई टी एच, तो ई टी एच तो लिखेंगे ही, ई टी एच और इसके आगे क्या आएगा डबल बॉन्ड तो क्या आ जाएगा ईन आएगा, ठीक है ईन आएगा, तो ईथीन, ईथीन बोलेंगे इसको, एथीन नहीं बोलेंगे ईथीन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको आइन से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एन ई, तो देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल दो कार्बन एटम्स है, उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर तीन तीन उन्होंने शेयर कर लिए तो कितना बचा, फोर, इनके पास वैलेंसी होती है यानी कि चार बॉन्ड बना सकते हैं ये, है ना, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है किसी भी से भी, एक कहीं पे इस तरह से चार बॉन्ड बना सकता है, तो तीन तो यहां बना दी, वन टू थ्री, अब फोर बचा ये, इस तरह से करते हैं, ठीक है तो ये फोर्थ बॉन्ड है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है आयन आता है, इसमें कितने कार्बन है टू, तो टू के लिए क्या आता है ई टी एच, और अगर वाई एन ई है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई लगेगा, तो वाई एन ई, ये है इसका आईयूपीएसी नेम, तो ये क्या हो गया इथाइन, ठीक है इट विल बी इथाइन। देखो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन को हम नेम करेंगे। तो सी एच फोर सबसे पहले एग्जाम्पल देखो इस इमेज में, सी एच फोर यानी कि सी और उससे चार कार्बन जुड़े हुए होंगे, सॉरी चार हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, ठीक है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो वन वन क्या होता है मेथ, मेथ, ठीक है मेथ, और सैचुरेटेड के लिए क्या जोड़ते हैं हम आगे एन, तो क्या हो गया ये मीथेन, और इसका कॉमन नेम ही मीथेन है, कॉमन नेम मतलब जिस तरह जिस नाम से इसको साइंटिस्ट बुलाते थे जब आईयूपीएसी नहीं थी, ठीक है आईयूपीएसी नहीं थी तब क्या बुलाते थे, और अभी भी ये कॉमन नेम्स चले आ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं हम C2H6, C2 यानी कि दो कार्बन, H6 यानी कि छह कार्बन जुड़े हुए होंगे, छह कैसे होंगे, एक कार्बन पे तीन जुड़े हुए होंगे और बाकी दूसरे कार्बन पे भी तीन जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन, ठीक है इसको हम कैसे नेम करेंगे, इसमें कितने कार्बन है वन एंड टू, तो टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ETH, एथ होता है, और जैसे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे आगे, इसके क्या आएगा एन आएगा क्योंकि ये एल्केन है, ठीक है ये चीज समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन नेम भी इसका इथेन ही है, कॉमन नेम भी इसका इथेन है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है एक कार्बन में कितने एच जुड़े हुए हैं, थ्री एच जुड़े हुए हैं, तो सी एच थ्री लिख देंगे इसको, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या लिख देंगे इसको हम सी एच थ्री, ठीक है ऐसे ही सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी सी एच थ्री लिख सकते हैं, तो हम सी टू एच सिक्स को सी एच थ्री डैश सी एच थ्री करके भी लिख सकते हैं, सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री करके भी लिख सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो C3H8, इसमें कार्बन तीन है और हाइड्रोजन एट है, तो देखो कार्बन तीन वन टू एंड थ्री, इसमें सिंगल बॉन्ड हो क्योंकि क्या है ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब एल्केन, एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, तो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब सारे कार्बन से कितने टोटल कितने एच है एट एच है, यहाँ थ्री थ्री सिक्स और सेवन और एट, ये कितने एच हो गए एट एच हो गए और थ्री कार्बन है, ठीक है तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। अब थ्री थ्री कार्बन है, थ्री का क्या होता है प्रोप, थ्री को क्या बोलते हैं प्रोप, और ये जैसे कि ये एल्केन्स है तो इसके क्या आगे लग जाएगा एन, तो ये क्या बन जाएगा प्रोप एन, ठीक है प्रोपेन का कॉमन नेम भी प्रोपेन ही होता है, अंडरस्टूड C6H8
सॉरी C3H8 का IUPAC नेम भी प्रोपेन है और कॉमन नेम भी प्रोपेन है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, 1, 2 and 3, तो CH3 लिख दिया हमने, CH3, ये देखो CH3। सेकेंड वाले कार्बन में जुड़ा हुआ है 1 and 2, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH2, ये CH2 लिख दिया यहाँ। अब नेक्स्ट क्या है, सी पे कितने कार्बन एटम, सॉरी कार्बन कह रही हूँ, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 1, 2 and 3, तो CH3, तो CH3, CH2, CH3, ये क्या हो गया अपना प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा, तो ये क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले हमने नॉर्मल लीनियर चेन के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर कोई ब्रांच आ गई तो हम उसको कैसे नेम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ हाइड्रो ऑफ अ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड टू बी नेम्ड इज फाउंड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन एटम में सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी, अगर ब्रांचेस भी निकली हुई है, जैसे कि एक चेन है इसमें ब्रांचेस इधर उधर भी निकली हुई है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वाली हम ढूंढेंगे कि कौन सी वाली लाइन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, तो उस वाली लाइन को क्या कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा लॉन्ग है, ये वाली लॉन्गेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जिस लाइन में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसको क्या कहेंगे हम, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया किसी ब्रांच में, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है उसमें ये यहाँ इधर एक कार्बन या कुछ अटैच है, कोई एल्काइल ग्रुप CH3 अटैच है, मिथाइल इथाइल अटैच है, प्रोपाइल अटैच है, कुछ भी अटैच है इधर इधर, तो हम इसको किस तरह से नेम करेंगे, इनको हम सेपरेटली नाम देंगे। जैसे कि हमें मान लो कि प्रोपेन 3 कार्बन की चेन में एक लास्ट में ना या फिर बीच में एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ था, तो हमने क्या नेम किया उसको, 2-methyl propane, क्योंकि वो सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ था। या देखो एक कार्बन ये, फॉर एग्जाम्पल इस वाले पे जुड़ा हुआ था, तो 1, 2, 3, अगर मिथाइल इस पे जुड़ा हुआ था तो क्या होगा, 2-methyl और 3 कार्बन दो प्रोपेन। इसको आप आगे और इजीली समझ जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगी इसको डिटेल में। अब नेक्स्ट, द कार्बन एटम ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट एल्काइल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। हम कार्बन एटम की लॉन्ग कार्बन चेन को इस तरह से नंबर करते हैं कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। लोएस्ट पॉसिबल नंबर मतलब कि देखो को जैसे कि 1, 2 एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 and 4, अब ये इधर जुड़ा हुआ है CH3 यानी कि एल्काइल ग्रुप। लास्ट मैंने आपको पढ़ा था ना एल्काइन के बाद में मिथाइल पढ़ाया था, एल्काइल ग्रुप पढ़ाया था, जिसके अंदर क्या आता है, मिथाइल एल्काइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, इस तरह से है ना। तो ये 4 कार्बन एटम्स है, इसमें से इधर जुड़ा हुआ है CH3, यानी कि हम कहां से काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4। मैं चाहती तो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकती थी, पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड करी, ठीक है, ताकि हमारा लोएस्ट नंबर आ रहा है। उधर से अगर मैं करूंगी तो 3 आएगा, इधर से मैंने किया है राइट हैंड साइड से तो क्या आ रहा है, 2 है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप की कैसे हम नोट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या आता है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आएगा और क्या आएगा, एन, तो ये ब्यूटेन आएगा क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन आएगा, पर ब्यूटेन से पहले हम क्या लिखेंगे, मिथाइल के लिए लिखेंगे, ठीक है, CH3 क्या होता है, मिथाइल, तो मिथाइल के लिए लिखेंगे, तो मिथाइल कौन सा नंबर वाले कार्बन पे है, 2 पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2-methyl, पूरा लिखेंगे 2-methyl ब्यूटेन, ठीक है, इस तरह से आप ब्यूटेन लिखोगे, मेरा माउस इस तरह से हम ब्यूटेन लिखोगे, थोड़ा अनटाइडी हो गया, ठीक है।
अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजिशन एंड नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि हम कैसे लिखते हैं, पहले नंबर लिखते हैं, क्या नंबर लिखते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन से वाले नंबर पे जुड़ा हुआ है, और हमेशा कम से कम नंबर लेना हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे से छोटा नंबर लें, ठीक है, छोटे से छोटा नंबर लें। तो हम उसके लिए देखते हैं कि हमें राइट हैंड साइड से नंबरिंग करनी है 1 2 3 करके या लेफ्ट हैंड साइड से करनी है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिखाया था उसमें हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की थी तो 2 आ रहा था। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करती 1 2 3 करके कार्बन की नंबरिंग करती चार कार्बनों की, तो वो जो एल्काइल ग्रुप था वो थर्ड नंबर पे आता, तो 2 इज स्मॉलर देन 3, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, 2 को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 फिर मिथाइल प्रोपेन, ये हमने उसमें लिखा था ना, तो इसी तरह से हम पेरेंट कार्बन को बाद में लिखते हैं और पहले पोजीशन लिखते हैं एल्काइल ग्रुप की, फिर एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम नेमिंग करते हैं। तो ये था नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए इसके बारे में। ये देखो, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे C 1 2 3 और ये 1 4, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक स्ट्रेट लाइन में कितने सी हैं, 3 सी हैं, तो ये क्या होगा 1 2 3, 3 क्या होता है प्रोप, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, सो व्हाट वी विल से, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि क्या है ये एल्केन, तो प्रोपेन, ठीक है, इतना नाम आ गया। तो प्रोपेन तो हम बाद में लिखते हैं, जैसे कि हमने अभी वो नोमेनक्लेचर पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है इसमें, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, मिथाइल एल्काइल ग्रुप का होता है ना, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब हम एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बना हुआ है, एक मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लगा हुआ है, तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 3, इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। अगर आप इधर से 1 2 3 करोगे तब भी ये सेम ही आएगा, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेंगे, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड नंबर के मिथाइल पे लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन से, 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे भी करो क्योंकि बीच में ही पड़ रहा है ना, CH, ये वाला तो CH, इसके साथ जो मिथाइल ऐड है हमारा, मिथाइल अटैच्ड है, वो मिडिल में पड़ रहा है ना, इसलिए आप किसी भी साइड से नंबरिंग शुरू करोगे आंसर सेम ही आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। हमने सैचुरेटेड पढ़ लिया जिसमें एल्केन्स और सिंगल बॉन्ड की बात हो रही थी, उसमें हमने ब्रांच का ही पढ़ लिया, अब हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। तो अनसैचुरेटेड में भी पहले हम डबल बॉन्ड वाले जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं, सेम वैसे ही नेमिंग होगी, इनके ईन लग जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वालों के आगे क्या लगता है, ईन लगता है, और एथ मैथ प्रॉप ब्यूट वाला सेम सिस्टम चलता है इसके साथ में भी, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स करते हैं, इसमें ईन लगेगा लास्ट में, इस चीज को ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ एल्केन्स जैसा ही है इसमें, ठीक है। तो देखो ये किस तरह से होगा, इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ, 2 क्या होता है, एथ होता है ना, और इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या होगा, ईएनई, मैंने बताया था ना ईएनई होगा अगर डबल बॉन्ड हुआ तो, इधर देखो ईएनई होगा अगर डबल बॉन्ड हुआ तो, डबल बॉन्ड है ईएनई आ गया, इथीन, ये हो गया अपना आईयूपीएसी नेम इथीन। और एक चीज ध्यान दो, इसका कॉमन क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलीन है ना, कॉमन नेम क्या है, इथाइलीन है इसका, हमने आईयूपीएसी नेम इथीन था, कॉमन नेम इथाइलीन, ठीक है, याद रखने, कॉमन नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसको थोड़ा सा और उन्होंने शॉर्ट में करके लिखा है, तो एक सी के साथ कितने कार्बन सॉरी हाइड्रोजन अटैच थे, टू, तो सी एच टू, फिर बीच में क्या था, डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया यहाँ पे। उसके बाद दूसरे वाले कार्बन के साथ कितने थे, वन एंड टू, दो हाइड्रोजन थे, तो सी एच टू सी एच टू, और बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि क्या है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, इथीन हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर, मतलब क्या आंसर, क्या मैंने आपको समझा रही थी। अब ये देखो दूसरा वाला C3H6, सी तो तीन है, अब दो सी के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, इन लगेगा लास्ट में, इन लगेगा, डबल बॉन्ड आ गया है, पर कितने कार्बन है, वन टू थ्री, तो क्या लगेगा, प्रोप, थ्री क्या होता है, प्रोप, तो क्या हो गया ये प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलीन, कॉमन नेम होगा प्रोपाइलीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरह से, सी के साथ थ्री हाइड्रोजन है, तो सी के साथ थ्री हाइड्रोजन, सी के साथ एक हाइड्रोजन, सी के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ इस वाले सी के बीच में, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लग गया, अब सी के साथ में कितने हाइड्रोजन है, टू, वन एंड टू, तो यहाँ पे सी एच टू, तो ये हो गया अपना प्रोपीन, और इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपाइलीन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अभी अपन ने डबल बॉन्ड वाला किया, अब ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे। ठीक है, तो क्या है, CH2CH2, इसमें कार्बन कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन भी दो हैं, तो बीच में कितना बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक एक हाइड्रोजन लग गए इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो गया, वन एंड टू, तो क्या हो गया, एच, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो क्या लगता है, आयन, यानी कि वाई एन ई, आयन लगता है ना, तो यहाँ पे इथाइन, इथाइन हो गया ये, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन हम अच्छे से सीखो। अब इसको हमने इस तरह से भी ले सकते हैं, इनके बीच में बॉन्ड हटा के सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल C3H4, तो C तीन है, उनके बीच में क्या होगा, किसी दो के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये C है, C के साथ क्या लगे हुए हैं, तीन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, वन टू थ्री, तो ये क्या है, प्रोप, थ्री कार्बन एटम से, तो कितना होगा, प्रोप होगा, और जैसे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, आइन लगेगा लास्ट में, तो वाई एन ई। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम प्रोपाइन, और कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके यूं भी लिख सकते हैं, सी के साथ तीन एच थे, सी के साथ तीन एच हमने प्लेस कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक सी लगा दिया, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लग गया सी एच सी एच, इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, मिथाइल एसिटाइलिन या फिर प्रोपीन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम इसका। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आइसोमर्स। क्या नाम है, आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आइसोमर्स क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कि कोई कंपाउंड है C2H2, उसको फॉर एग्जाम्पल में हमने दो तरह से बना दिया, या फिर कोई और है C2H6 है, फॉर एग्जाम्पल C2H6, हमने इसको किसी और तरीके से ड्रॉ कर दिया, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ये क्या होगा, आइसोमर। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी, यानी कि फॉर्मूला सेम है, ये जो फॉर्मूला है ये सेम है पर दो अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लें तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है और कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है एथमेथ प्रोप ब्यूट, यानी कि फोर कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन बनाता है ये, है ना, और जो आइसोब्यूटेन होता है उसकी ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सी इधर लग गया, एक सी इधर, एक सी ऐसे, और एक यहाँ पे लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल से क्या हो गया, ये आइसो
ब्यूटेन, और अपना कैसा था, अपना ब्यूटेन कैसा था पहले, इस तरह से था, इस तरह से था। अब इसका क्या हुआ, फॉर्मूला सेम रहेगा पर इन दोनों के स्ट्रक्चर बदल गए ना, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर चेंज है, अलग अलग है। तो यही क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, आइसोमर्स। क्या है ये, आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन हैविंग फोर और मोर कार्बन एटम्स। आइसोमरिज्म सिर्फ उन्हीं में हो सकता है जिनमें चार या चार से ज्यादा कार्बन एटम्स हो, फोर और मोर देन फोर कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। यानी कि इथेन यानी कि मीथेन यानी कि वन कार्बन एटम वाले में, वन कार्बन एटम वाले में, इथेन यानी कि टू कार्बन एटम वाले में, प्रोपेन यानी कि थ्री, और ब्यूटेन वाले में, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन में तो होता है ना। तो इन इन तीनों में क्या होगा, कोई भी आइसोमरिज्म नहीं होगा, इथेन, मीथेन और प्रोपेन में कोई आइसोमरिज्म नहीं होगा, फोर से ज्यादा होना चाहिए। चलो ब्यूटेन में भी हो सकता है, ब्यूटेन में भी कोई आइसोमरिज्म में नहीं हुआ, ठीक है, चार से ज्यादा चाहिए होते हैं हमें फॉर आइसोमरिज्म इन केस। किसी किसी केस में ब्यूटेन में होता है, किसी किसी केस में आइसोमरिज्म नहीं होता है। तो आइए देखते हैं आइसोमर्स के एग्जाम्पल। देखो इधर एन ब्यूटेन है और इधर टू मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर अलग है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, पर क्या है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइसोमर का एग्जाम्पल। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज पे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनके, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और सबका डिफरेंस क्या होता है, CH2। सब में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है सबके बीच में, ठीक है। तो ये होता है होमोलोगस सीरीज, इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और सब में कितना डिफरेंस होता है, मतलब सक्सेसिव, मतलब कि जैसे ये एक ये वाला है, इसमें और इस वाले में कितना डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, तो ये एल्केन्स के लिए होमोलोगस सीरीज है। देखो मीथेन क्या होगा, CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का C2H6। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस आया नहीं, CH2 का डिफरेंस आया नहीं, इसमें कितने कार्बन है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये हो गया C। अब 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो यानी कि इनमें CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर आप C3H8 का देखोगे, C3H8 और C2H6 का देखोगे, तो क्या होगा, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस होगा। कैसे, देखो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो C आ गया, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, यानी कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स में भी, इन इस सीरीज में भी CH2 का डिफरेंस होता है सब में, है ना। अब देखो ये एल्कीन की सीरीज है, इथीन में C2H4 होता है, प्रोपीन में C3H6 होता है। अब देखो इसमें CH2 का डिफरेंस है या नहीं। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि एक के बाद एक जो हमारे नंबर्स आएंगे, जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएंगे, उनके बीच का डिफरेंस CH2 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए नहीं, होता ही CH2 है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए दिखाती हूँ, 3 माइनस 2 1, तो C आ गया यहाँ पे, C के नीचे 1 लगाना जरूरी नहीं होता है। 6 माइनस 4 2, तो यानी कि एल्कीन्स में भी CH2 फॉर्म होता है सब्ट्रैक्ट करने पे। अब आते हैं एल्काइन्स पे, तो इथाइन का देखो C2H2, प्रोपाइन का देखो CH3, C3H4, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ब्यूटाइन C4H6। अब इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, 3 माइनस 2 1, तो C आ गया, H4H2 कितना बचा, 4 माइनस 2 2, यानी कि इनमें भी इतना ही डिफरेंस है, CH2 ही है। तो ये थी होमोलोगस सीरीज। अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज।
ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला होता है सबके बीच में, CH2 का डिफरेंस होता है ना, एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, यानी कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मासेस इज 14U, यानी कि कार्बन के मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होता है, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। जैसे कि कोई एक कार्बन है ये और दूसरा वाला है C2, इसके साथ में H भी है, ठीक है, एक C2 है, तो इन दोनों के मासेस में डिफरेंस कितना होगा, 14U, और यू कुछ भी हो सकता है, यूनिट कोई अपनी जैसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना इनको मेजर करने की, वो है 14U, ठीक है। अब ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं, सारे के सारे सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जनरली चेंज हो जाती हैं, धीरे धीरे चेंज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मासेस में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।